हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा, और इसमें हम इंडियन लॉजिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका इंडियन फिलोसफी। जो हमारी 6 इंडियन फिलोसफीज हैं उनको हम आज देखने वाले हैं, प्लस आपकी कुछ हेटरोडॉक्स फिलोसफीज हैं, कुछ आपकी ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी हैं, उनका डिवीजन भी आज के सेशन में हम देखेंगे। और आज का सेशन है वो आपका शॉर्ट सेशन होने वाला है, विद इन 5 मिनट आपका पूरा का पूरा इंडियन फिलोसफी है वो एक ब्रीफ में रिवीजन हो जाएगा इस सेशन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो दर्शन है, इंडियन दर्शन है, जो फिलोसफी है, उसके बेसिस क्या है। तो गाइस, उसके बेसिस हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। 4 पुरुषार्थ को हम क्या बोल सकते हैं, गोल्स ऑफ द लाइफ, है ना। अब वो 4 पुरुषार्थ हमारे कौन कौन से हैं, एक है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये हमारे 4 जीवन के क्या होते हैं, हर मनुष्य के पुरुषार्थ होते हैं, गोल्स होते हैं लाइफ में। अब देखो, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब आप समझते हो आर्थिक साधन से रिलेटेड है या धन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो आपके अर्थ में आती है, अर्थ वाले गोल में आती है। दूसरा है आपका धर्म, जो भी सामाजिक जो हमारे कर्तव्य होते हैं ना, उनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें आती हैं धर्म में ना। यानी कि राज्य से संबंधित जितने भी मामले होते हैं ना, वो आपके होते हैं धर्म। दूसरा होता है काम, है ना, भौतिक सुख या प्रेम या जो हमारे सेंसुअल प्लेजर्स हैं वो सारे के सारे काम में आते हैं। चौथा है आपका मोक्ष, जो कि मनुष्य का अंतिम गोल होता है मोक्ष, है ना। तो ये हमारे 4 क्या है, पुरुषार्थ हैं, जो हमारे इंडियन फिलोसफी के क्या हैं, बेसिस। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं तो आपकी 2 स्कूल हैं, एक है आस्तिक, एक है आपका नास्तिक स्कूल। जब हम आस्तिक स्कूल की बात करते हैं, यानी ऐसी स्कूल जो वेदों की जो सर्वोच्चता है उसको मानते हैं, यानी वेदों की जो अथॉरिटी है उसको ये मानते हैं, कौन से आपके आस्तिक वाले। और नास्तिक वाले क्या होते हैं, वेदों को नहीं मानते, जो वेद है वेदों को नहीं मानते। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया कि एक तो है जो वेद को मानता है आस्तिक वाला, और नास्तिक वाला है जो वेदों को नहीं मानता। अब हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बात करते हैं तो इसमें आपके 6 दर्शन, जिसको हम 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी बोलते हैं, या जिसको हम षड दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, षड दर्शन। वो कौन कौन से हैं, एक तो है न्याय, वैशासिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ऐसे ही हमारे नास्तिक हैं, नास्तिक में वो आते हैं जो वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानते हैं, यानी वेदों को नहीं मानते। इस पे एक तो है आपका चार्वाक, एक है जैनिज्म, एक है आपका बुद्धिज्म। चार्वाक स्कूल की बात करें तो ये आपका भौतिकवादी स्कूल है, यानी मटेरियलिस्टिक स्कूल। जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म के 2 आपके पार्ट होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर बोलते हैं, और जो बिल्कुल वस्त्र धारण नहीं करते हैं वो दिगंबर बोलते हैं। बुद्धिज्म के भी ऐसे ही 2 सेक्ट हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। अब हीनयान है, उसके 2 स्कूल हैं आपके, एक स्वतांत्रिक, एक वैवासिका। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि सुशांत्रिक और वैवासिक किस फिलोसफी से रिलेटेड है, तो ये हीनयान फिलोसफी से रिलेटेड है, जो कि आपकी बुद्धिज्म की फिलोसफी। महायान की हम बात करते हैं तो इसके 3 स्कूल हैं, मध्यमिका, योगाचर और वज्रयान। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बुद्धिज्म की 2 स्कूल हैं, हीनयान और महायान। हीनयान के 2 सेक्ट हैं, सुतांत्रिक और वैवासिक, और महायान के आपके 3 सेक्ट हैं, जिसमें आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्यमिका, मध्यमिक का करिका, मध्यमिका पहला। उसके बाद में आपका जो दूसरा है वो है आपका योगाचर, योगाचर, और जो तीसरा है गाइस वो है आपका वज्रयाना बुद्धिज्म, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी बुद्धिज्म के सेक्ट का मेन सेंटर रहा है, आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे सब।
अब देखिए एक क्विक रिवीजन इनके फाउंडर्स का भी मैं आपको करवा देता हूँ। न्याय स्कूल की जब हम बात करते हैं तो इसके फाउंडर हैं आपके गौतम, है ना, और ये एक लॉजिक और एनालिटिकल फिलोसॉफी। वैशाषिक स्कूल की बात करते हैं तो वैशाषिक के फाउंडर हैं आपके कर्णन, जो कि ऑटोमिक नेचर की बात करती है आपका। तीसरा है आपका मीमांसा, और मीमांसा के फाउंडर हैं आपके जेमिनी, जो कि क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करती है वेदास का। फोर्थ है आपका वेदांता, है ना, जिसकी रचयिता है आपकी वेदव्यास। और फिफ्थ है आपका सांख्य, और सांख्य की जो फाउंडर है वो है कपिल। और फिफ्थ है आपका सांख्य है, और सिक्स्थ है वो आपके हैं योग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, योग के फाउंडर हैं आपके पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। तो ये आपका क्या है, सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसको आप याद रखिएगा, भूलना मत। कई बार ये इनके फाउंडर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद में देखो ये आपके छह स्कूल हैं, प्लीज इनको थोड़ा सा याद रखना कि ये किस किस के बारे में है। जैसे हम न्याय की बात करें तो लॉजिक और एनालिटिकल फिलोसॉफी है ना, वैशाषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य और आपका योग। उसके बाद में हम हेटरोडॉक्स की बात करते हैं गाइस। हेटरोडॉक्स यानी कि जो वेदों को नहीं मानते, तो वो तीन स्कूल कौन कौन से हैं। एक तो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है जिसके फाउंडर है गौतम बुद्ध, और दूसरा है आपका जैन फिलोसॉफी और जिसके फाउंडर है महावीर स्वामी, और तीसरा है आपका चार्वाक फिलोसॉफी और जिसके फाउंडर है बृहस्पति, जिसको हम लोकायत फिलोसॉफी भी बोलते हैं। तो ये है आपकी कुछ हेटरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, और इसका एलोबरेट सेशन है, कंप्लीट रिवीजन है वो आपका जो हमारा संकल्प बैच है उसमें हम करने वाले हैं। आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देखते रहे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। हम कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे अच्छे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को लेके। तो मेरी जो क्लासेस होती हैं गाइज, वो आपका सुबह 10 बजे होती है पेपर वन की, और पेपर टू की जो क्लास है वो आपकी 4 PM पे है। तो आप इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे सब लोग देखते रहो। क्लियर एवरीवन? और आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी है जो आने वाली है, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज आपके लिए डिजाइन की है, तो बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस चलते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जाते जाते एक बार आप सब लोग सेशन को लाइक करो, और थोड़ा सा आप शेयर भी कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये हमारे डाउट्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।